दोस्तों आप मेरे पीछे जैसे कि देख सकते हैं, ये है बिग बॉस का लिविंग एरिया। यहाँ पे डाइनिंग टेबल इस बार बनाए गए हैं, लेकिन ये डाइनिंग टेबल जो है पत्थर पे बनाए गए हैं। पूरा यू नो पत्थर का थीम है इस बार। और बीच में आप ये देख सकते हैं कि कितने प्यारे लोटस के फूल हैं, लेकिन ये आर्टिफिशियल फूल हैं। और ऊपर एक प्यारा सा झूमर भी है। और मेरे पीछे आप जो है देखने वाले हैं, यहीं पे बैठकर कंटेस्टेंट्स खाना खाते हुए नज़र आएंगे। झगड़ा लड़ाई खाना सब कुछ यहीं पे होने वाला है इस बार कंटेस्टेंट्स का। और डाइनिंग टेबल पे अगर बैठकर किसी को खाने का मन ना हो तो यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे बैठ के कंटेस्टेंट्स खा सकते हैं खाना। और सामने ही बहुत ही प्यारा सा डेकोरेशन किया गया है। ये कैंडल स्पेशली बहुत अच्छी लग रही है, जो कि अच्छा फ्रेग्रेंस देगी घर में। अब मैं आपको ले चलने वाली हूँ उस एरिया में जहाँ पे असली महाभारत होती है बिग बॉस की। बिल्कुल सही समझे आप, किचन। तो आइए देखते हैं कि इस बार का बिग बॉस का किचन कैसा है। इस बार का बिग बॉस का जो किचन है वो काफ़ी अलग, काफ़ी डिफरेंट बनाया गया है। यहीं पे होंगे कंटेस्टेंट्स के लड़ाई झगड़े, क्योंकि किचन में ही होते हैं बिग बॉस के बहस। तो दोस्तों ये किचन एरिया है। इस बार देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि कौन कौन से कंटेस्टेंट्स यहाँ पर लड़ाई झगड़े करेंगे। वैसे तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे कंटेस्टेंट्स बर्तन मांजने वाले हैं, यहाँ पे कंटेस्टेंट्स खाना गर्म करेंगे। ये है गैस जहाँ पे खाना बनेगा और बहुत सारा झगड़ा भी होगा। और ये है बर्तन, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस बार के जो बर्तन है वो राजा महाराजा के टाइम के हैं, यानी कि गोल्ड सिल्वर के बर्तन हैं। और देखिए मिट्टी के बर्तन हैं, हमें यहाँ पे कोई भी आज के टाइम का बर्तन नहीं दिख रहा है। तो दोस्तों किचन में आप देख सकते हैं कि एशियन टाइम के बर्तन रखे हुए हैं, बहुत सारे अलग अलग पॉट्स हैं, बहुत सारे अलग अलग बर्तन हैं। और यहाँ पे कुछ अलग चीज़ें भी इस बार आपको नज़र आने वाली है, जैसे कि डब्बे। आप देख सकते हैं कि बहुत अलग तरीके के डब्बे हैं यहाँ पे। तो दोस्तों किचन एरिया के बिल्कुल ही बराबर आप देख सकते हैं कि एक बहुत ही सीक्रेट एरिया दिया गया है। कभी कभी हम देखते हैं ना कि सीक्रेट एंट्रीज होती है, सरप्राइज एंट्रीज होती है, वो यहीं से होती है। यहीं से कंटेस्टेंट्स जो हैं अंदर आते हैं सरप्राइज देने के लिए दूसरे कंटेस्टेंट को, या फिर कंटेस्टेंट्स के फैमिली मेम्बर्स आते हैं उन्हें सरप्राइज करने के लिए। बार एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं बिग बॉस। सामने लिविंग एरिया है और लिविंग एरिया के ऊपर जो है एक एरिया बनाया गया है जो कि काफ़ी अच्छा है। तो नीचे लिविंग एरिया है जहां पे सब कंटेस्टेंट्स बैठेंगे, और साथ ही साथ यहां पे एक अलग सा एरिया बनाया गया है जहां पे अकेले में कंटेस्टेंट्स बैठकर गुफ्तगू कर सकते हैं। यानी कि इस बार जो है बिग बॉस ने कंटेस्टेंट्स को अलग अलग कोने खोपचे दिए हैं जहाँ पे लव स्टोरीज बनेगी, झगड़ा लड़ाई होगा, एक दूसरे की चुगली की जाएगी। तो इस बार टीवी भी दी गई है घर में, अलग अलग कोने में टीवी भी दिया गया है। कहीं बिग बॉस इस बार अचानक से तो टीवी पे नहीं आ जाएंगे, ये तो खैर एपिसोड में पता चल ही जाएगा कि अलग अलग कोने में टीवी क्यों दी गई है। लेकिन इस कोने को आप ज़रूर याद रखना, पक्का यहाँ पर बैठ कर कोई ना कोई तो चुगली करते हुए नज़र ही आएंगे। Hi, this is Hiba Nawab. You're watching me on Glitz Vision USA.